आज अपन स्टील स्ट्रक्चर्स में बोल्टेड कनेक्शंस पढ़ेंगे। तो बोल्टेड कनेक्शंस में अपना टॉपिक जो आज पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या जरूरत है इन बोल्टेड कनेक्शंस की। इसकी जरूरत ये है कि कोई भी जब स्टील स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो उसके बहुत सारे उसमें मेंबर्स होते हैं। उसमें टेंशन मेंबर भी होता है, उसमें कॉम्प्रेशन मेंबर भी होता है, उसमें फ्लेक्चरल मेंबर भी होता है। तो उन सब मेंबर्स को अपने को आपस में जोड़ने की जरूरत पड़ती है, और जहां जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग माध्यम से अपने को इनको जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी जो बिल्टअप मेंबर्स स्टील के अपन बनाते हैं, और उनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब जो लोड आना होता है वो लोड बहुत ज़्यादा हो और जो स्पैन होता है वो स्पैन ज़्यादा हो। तो मार्केट में जो सेक्शन अवेलेबल होते हैं वो सेक्शन उस लंबाई के अवेलेबल नहीं होते, तो अपने को कनेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो रिक्वायर्ड लेंथ है बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील की, वो रिक्वायर्ड लेंथ अपन प्रोवाइड कर सकें। तो तीन तरह से अपन या तो बोल्ट से या रिविट से या वेल्डिंग से अपन कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट एम होता है कनेक्शंस का, वो एक ऐसा जॉइंट प्रोड्यूस करना है जो कि सिंपल हो, सेफ हो, इकोनॉमिक हो, इजी टू फैब्रिकेट हो। इस इन कंडीशंस को जो पूरा करते हैं वो उस तरह के कनेक्शंस, उस तरह के जॉइंट्स अपन प्रोवाइड करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट में स्टील स्ट्रक्चर में दो मेन जॉइंट होते हैं बोल्टेड जॉइंट। जो पहला बोल्टेड जॉइंट है उस जॉइंट को अपन कहते हैं लैप जॉइंट, और जो दूसरा मेन जॉइंट है उसको कहते हैं अपन बट जॉइंट। अब इनको अपन डायग्राम बना के समझते हैं कि बोल्टेड जॉइंट किस प्रकार के हैं। पहला अपन लैप जॉइंट देखते हैं। लैप का मतलब क्या हुआ? लैप का मतलब हुआ ओवरलैप। जैसे जिन दो प्लेट्स को अपने को जॉइन करना है, एक तो ये प्लेट है और एक दूसरी ये प्लेट है। ये दो मेन प्लेट है जिनको अपन जॉइन कर रहे हैं। ये मेन प्लेट है एक, और ये दूसरी मेन प्लेट है। और इसको अपन जॉइन कैसे करेंगे? जॉइन करेंगे बोल्ट से। यहां पे अपन ये बोल्ट प्रोवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं अपन सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। इसमें फोर्सेस ये लग रही है, ये एक एक्सियल फोर्स लग रही है, इस फोर्स को एफ कह दो, और इधर ये फोर्स लग रही है, इस फोर्स को भी एफ कह दो। और इस जॉइंट का, लैप जॉइंट का, लैप मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक, इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट आ गई और इसको एक अपन बोल्ट की रो से जोड़ दिया, तो इस लैप जॉइंट का नाम हो गया, इसको अपन करेंगे सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। इसी तरह से अगर अपन या दो बोल्ट की रो प्रोवाइड कर दे तो उसको कहेंगे डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। वो कैसे हो जाएगी? एक डायग्राम बना के देखते हैं अपन। इसमें क्या है, एक प्लेट तो ये आ गई और दूसरी प्लेट ये आ गई, इधर ये फोर्स लग गई, इधर ये फोर्स लग गई। अब दो बोल्ट की अपने को रो देनी है, ये एक बोल्ट की दे दी और ये दो बोल्ट की दे दी। ये तो हो गया अपना एलिवेशन में जो व्यू दिखेगा, तो इसको अपन कहेंगे डबल बोल्टेड, डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। इसमें लैप का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर, ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर, ये मेन प्लेट से दोनों, ये एक मेन प्लेट है और एक प्लेट ये,
दूसरा अपना जो बोल्टेड जॉइंट है उस जॉइंट का नाम है बट जॉइंट। बट जॉइंट, बट जॉइंट में क्या होता है, जिन दो प्लेटों को अपन जोड़ रहे होते हैं वो एंड टू एंड होती है, जैसे एक ये मेन प्लेट हो गई और दूसरी जिस मेन प्लेट को जोड़ना है वो एक प्लेट ये हो गई। तो हियर दीज टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, जैसे ये एंड खत्म हुआ और इसका ये एंड खत्म हुआ। अब इनको जोड़ने के लिए एडिशनल प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन एडिशनल प्लेट्स का नाम होता है कवर प्लेट। जैसे एक ये लगा दी, इसको बोलते हैं कवर प्लेट, कवर प्लेट, और ये हो गई एक मेन प्लेट और ये हो गई दूसरी मेन प्लेट और ये हो गई। अगर एडिशनल प्लेट जो दी इनको ज्वाइन करने के लिए, ये एक तरफ वन साइड रखी तो इसको बोलते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कवर बट जॉइंट। अब इसमें भी क्या होगा, अगर दो प्लेट दे देंगे इसी में, अगर अपन इसको तो बोल दिया सिंगल कवर और यहां पे एक और अपन ने नीचे दे दी तो इसको बोल दिया डबल कवर बट जॉइंट। लेकिन इसमें भी अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन हुए, इसमें भी उसी तरीके से जैसे लैट जॉइंट पे था सिंगल बोल्टेड और डबल बोल्टेड कवर प्लेट बट जॉइंट होगा। जैसे अपन बनाते हैं ये सिंगल कवर का, ये एक प्लेट मेन प्लेट, ये दूसरी मेन प्लेट और ये लगा दी अपन ने कवर प्लेट और इसको यहां पे एक बोल्ट से कनेक्ट कर दिया और इसको यहां पे एक रो बोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो इसका हो जाएगा सिंगल कवर, सिंगल कवर, सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। और ये मेन प्लेट है, इसमें एक फोर्स यहां लग रही है, इसमें मेन फोर्स यहां लग रही है और ये कवर प्लेट। इसी तरह से जो अपन ये एक और डायग्राम बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये एक प्लेट बनाई, ये दूसरी प्लेट बनाई और ये कवर प्लेट बनाई और इसमें बोल्ट दो दो दे दो, एक यहां से इस जॉइंट को दे दिया, एक यहां दे दिया, एक इसका यहां दे दिया और एक इसका यहां दे दिया। तो ये हो गई, इस वाले का क्या नाम रहा, इसका नाम रहा सिंगल कवर, क्योंकि तो ये है कवर। डबल बोल्टेड बट जॉइंट। और इसी तरह से इसका जो अगला क्लासिफिकेशन होगा वो एक कवर की जगह दो कवर लगा देंगे तो डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट हो जाएगा और इसमें डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट होएगा। एक बार डायग्राम बना के आपको बता देता हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल पहले के हिसाब से 6-6 नंबर का आता था, अब चूंकि सिलेबस अपना चेंज कर दिया गया है ये 5-5 नंबर के सवाल हो गए, तो आप ये मान के चलो 5 नंबर का टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट जरूर आएगा और सबसे आसान क्वेश्चंस में से है और इसको अटेम्प्ट करोगे तो पूरी नंबर मिलेंगे। थोड़ी थ्योरी लिखनी है और ये थोड़े डायग्राम बनाने। अब अपना जो बच गया था वो था डबल कवर, तो ये लगाया एक कवर, ये लगाया दूसरा कवर, इसको कहते हैं कवर प्लेट
इसको कहते हैं कवर प्लेट, इसको कहते हैं मेन प्लेट और इसको कहते हैं मेन प्लेट। फोर्स लगेगी यहां पे, फोर्स लगेगी यहां पे और इसका नाम हो जाएगा, अपन इसमें एक ही बोल्ट देते हैं, ये इधर दे दिया, ये इधर दे दिया, इसका नाम हो गया डबल कवर, दो कवर हो गए, सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, इसका नाम हो गया डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। इसी प्रकार से बेटा अगर अपन दो दो रो बोल्ट की दे दें तो वो कहलाएगा डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट। कैसे, उसका भी डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले बट जॉइंट बनाओ, जिन दो प्लेटों को जॉइन करना है, एक इसको जॉइन करना है, एक इसको जॉइन करना है, ये एंड टू एंड प्लेस कर दिया, इसलिए एंड टू एंड प्लेस किया, इसलिए बट जॉइंट। एक कवर प्लेट ये लगाई, एक कवर प्लेट ये लगाई, एक बोल्ट से इधर कनेक्ट किया, एक रो बोल्ट से, एक रो बोल्ट से इधर कनेक्ट किया, इसी तरह से इधर कनेक्ट किया और इसी तरह से इधर कनेक्ट किया। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट। तो आज आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, अच्छे ढंग से इसको लिख लेना और ये एग्जाम में आने की इसकी पूरी पूरी उम्मीद है, ढंग से इसको तैयार करना। थैंक यू।